क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड के चलते जहां ग्लोबल बाजारों में बिकवाली देखने को मिली, इससे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी अछूता नहीं रहा और लगातार दूसरा ऐसा हफ्ता था जब इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली देखने को मिली। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवेश गौर। लास्ट वीक लगातार दूसरा ऐसा हफ्ता था जब इंडियन स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, लगभग सभी मेजर इंडाइसेस गिरावट के साथ बंद हुए। थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में जहां भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशनों में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। डेटा की बात की जाए तो FIs ने 8,400 करोड़ की बिकवाली की, वहीं DIs ने 8,200 करोड़ की खरीदारी की। डेरिवेटिव डेटा की बात की जाए तो FIs का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर 47% से शिफ्ट होकर 28% पर आ गए, विच इज एन ओवरसोल्ड टेरिटरी। वहीं पुट कॉल रेशियो की बात की जाए तो 1.03 पर है। टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो निफ्टी में करेक्शन देखने को मिल रहा है, जहां 19,500 निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। 19,500 के नीचे जाने पर 19,300 और 19,250 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड 19,800 निफ्टी के लिए इमीडिएट हर्डल का काम कर रहा है, इसके ऊपर जाने पर ही हमें कोई शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने 100 डे में यानी 44,500 के आसपास फाइट करता दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी यदि 44,500 के नीचे फिसलता है तो हमें 44,000 और 43,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड 45,000 बैंक निफ्टी के लिए हर्डल का काम कर रहा है, इसके ऊपर निकलने पर 45,600 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीक के क्यूज की बात करें तो RBI की MPC मीट 4 से 6 तारीख तक स्केड्यूल है। क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड पर भी हमें अपनी नजरें बनाए रखनी होगी। टेक्निकली एक स्टॉक जो हमें बहुत पसंद आता है वो है मेदांता। मेदांता फ्लैग फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, 720 के ऊपर हमें इसमें फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके टारगेट 800 तक हो सकते हैं और इसमें SL आपको बनाए रखने होंगे 650 के। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.